हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 8 गणित विषय की वर्क बुक 2023-24 के कार्य पत्रक 12 को हल करना सीखेंगे। बच्चों, आपके गणित विषय के कार्य पत्रक आपके 1 से लेकर 11 तक सभी को मैंने बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया है। वो सब क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर या फिर बच्चों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक है, वहां जाकर आप वो सब क्लासेस देख सकते हैं। बच्चों, कार्यपत्रक 12 में हम भाजकता के नियम की समझ बना पाना सीखेंगे कि भाजकता के नियम क्या होते हैं और जब हम किसी संख्या के अंदर भाग देते हैं तो हम भाजकता के किन नियमों की मदद से आसानी से ये जान सकते हैं कि इस संख्या में कौन से अंक का भाग जाएगा अथवा नहीं जाएगा। बच्चों, यहां पर हम कुछ नियमों के बारे में सीखेंगे कि किस तरह हम किसी संख्या को देख के बता सकते हैं कि उसमें किसका भाग जाएगा और नहीं जाएगा। तो बच्चों देखें, पहला प्रश्न दिया हुआ है। बच्चों, नीचे दी गई संख्याओं में से उन संख्याओं पर गोला बनाएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। अब बच्चों, 2 का जो भाजकता का नियम है वो क्या कहता है कि यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर यदि 0 आता है, 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है अथवा 8, इनमें से अगर कोई भी अंक आता है तो उस संख्या में 2 का भाग बच्चों जाएगा। यदि किसी संख्या का इकाई अंक बच्चों 0, 2, 4, 6 अथवा 8 आपको देखने को मिलता है तो बच्चों उस संख्या में किसका भाग जाएगा? 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो बच्चों, इसी नियम का उपयोग करते हुए हम पहले प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों देखो, इसमें कौन कौन सी संख्या है जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। बच्चों, पहली संख्या है 40, क्योंकि 40 के पीछे कितना है? 0। इकाई अंक कितना है? 0। फिर बच्चों 42, 42 में इकाई का अंक कितना है? 2। फिर बच्चों 44, 44 में इकाई का अंक 4। फिर बच्चों 46, इकाई का अंक 6। फिर बच्चों 48, इकाई का अंक 8 है। फिर बच्चों 50, फिर बच्चों 52, फिर बच्चों 54, फिर बच्चों 56, फिर बच्चों 58, फिर बच्चों 60, फिर बच्चों 62, फिर 64, फिर 66, फिर 68। बच्चों, ये वो संख्या है जिनके इकाई अंक या तो 0 है, या 2 है, या 4 है, या 6 है अथवा 8 है। तो बच्चों, आपको हमेशा ध्यान रखना है, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 है तो बच्चों उसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, प्रश्न संख्या 2, सत्य अथवा असत्य कथनों को चाटिए। पहला है, संख्या 13 विषम संख्या है। तो बच्चों, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सम संख्या और विषम संख्या क्या होती है। तो बच्चों, हम बात कर रहे हैं सम संख्या और विषम संख्या की। तो बच्चों, सम संख्या का मतलब है जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है उसे कहते हैं बच्चों सम संख्या। जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है बच्चों, उसे हम क्या कहते हैं? बच्चों उसे हम कहते हैं आपकी सम संख्या। क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम कहते हैं आपकी सम संख्या कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर बच्चों हम लिख देंगे कि जिसमें 2 का भाग पूरा जाता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं बच्चों? उसे कहते हैं सम संख्या। फिर बच्चों विषम संख्या, जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है उसे बच्चों क्या कहते हैं? उसे बच्चों कहते हैं विषम संख्या। ठीक है, तो आपने क्या सीखा? सम संख्या और विषम संख्या। जिसमें बच्चों 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा उसे बच्चों हम कहेंगे सम संख्या, और जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा उसे कहेंगे बच्चों विषम संख्या। तो बच्चों, संख्या 13, 13 के इकाई का अंक बच्चों न तो 0 है, न 2 है, न 4 है, न 6 है, न ही 8 है। बच्चों 13 के अंदर 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, अतः कौन सी संख्या है? विषम संख्या। अगला बच्चों, संख्या 123 में इकाई का अंक 2 है। बच्चों इकाई का अंक यहां पर कितना है? 3 है। तो यह कथन कैसा है? असत्य। अगला बच्चों, संख्या 234 सम संख्या है। बच्चों देखो, इकाई का अंक कितना है? 4।
और चार में दो का भाग जाता है, अतः इस पूरी संख्या में भी दो का भाग जाएगा। अतः बच्चों ये कौन सी संख्या है? सम संख्या है। अगला, वह संख्या जिसमें इकाई का अंक दो है क्या वह सम संख्या है? तो बच्चों बिल्कुल सही बात है, जिस संख्या में इकाई का अंक दो होगा उसमें दो का भाग पूरा पूरा जाएगा। जैसे मैंने लिखा 32, 32 में इकाई का अंक कितना है? दो, तो इसमें दो का भाग पूरा पूरा जाता है, अतः ये सम संख्या होती है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, प्रश्न संख्या तीन क्या दिया हुआ है बच्चों? निम्नलिखित संख्याओं में से सम और विषम संख्याएं छांटिए। आपको सम और विषम संख्याओं को लिखना है। तो बच्चों सबसे पहली है 12। बच्चों 12 में इकाई का अंक कितना है? दो, यानी ये कौन सी संख्या है? सम संख्या। फिर बच्चों है 33। 33 में इकाई का अंक कितना है? तीन, यानी दो का भाग नहीं जाएगा, अतः कौन सी संख्या है? विषम। फिर बच्चों 167, इकाई का अंक कितना है बच्चों? चार है, दो का भाग जाएगा, यानी सम संख्या। फिर बच्चों 2005, दो का भाग नहीं जाएगा, अतः कौन सी संख्या है? विषम। फिर बच्चों 7004, इकाई का अंक कितना है? चार, यानी बच्चों दो का भाग जाएगा, अतः सम संख्या। ठीक है, फिर बच्चों कितना है? 60। 60 में इकाई का अंक जीरो है, अतः दो का भाग जाएगा। फिर बच्चों 888, इकाई का अंक कितना है? आठ है, अतः दो का भाग जाएगा। फिर बच्चों 7382, इकाई का अंक कितना है बच्चों? दो, अतः दो का भाग जाएगा, यानी कि सम संख्या। फिर बच्चों 7777, इकाई का अंक कितना है बच्चों? सात, दो का भाग नहीं जाएगा, अतः बच्चों कौन सी संख्या है? विषम संख्या। फिर बच्चों 1805, इकाई का अंक कितना है बच्चों? पांच, अतः ये कौन सी संख्या होगी? विषम, क्योंकि दो का भाग नहीं जाएगा। फिर बच्चों 2681, इकाई का अंक कितना है बच्चों? एक, यानी दो का भाग नहीं जाएगा, अतः 2681 क्या है? विषम संख्या। तो बच्चों आपको वही बात याद रखनी है कि जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या फिर 8 है बच्चों, उसमें दो का भाग पूरा पूरा जाएगा, अतः वो कौन सी संख्या होगी बच्चों? सम संख्या। और यदि इसके अलावा कोई अंक है जैसे 1, 3, 5, 7 और 9, तो बच्चों इसमें दो का भाग नहीं जाएगा, अतः ये कौन सी संख्या होगी बच्चों? ये होगी आपकी विषम संख्या। अगला प्रश्न बच्चों, प्रश्न संख्या चार, संख्याओं में सम संख्या पर गोला और विषम संख्या पर चौकार का निशान लगाइए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहले बच्चों इनमें दी गई सभी सम संख्या लिखो। देखो सम संख्या कौन कौन सी है? 2008, क्योंकि इकाई का अंक 8 है, दो का भाग जाएगा। फिर बच्चों 8732, फिर बच्चों 8734, फिर बच्चों 612, फिर बच्चों इसमें से कोई भी सम संख्या नहीं है, बाकी कौन सी है? विषम संख्या। अब बच्चों दी गई सम संख्याओं में सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? आपको बच्चों सबसे छोटी सम संख्या बतानी है। तो बच्चों यहां पर ऊपर हमने जो सम संख्या लिखी है इसमें सबसे छोटी कौन सी है? 612 है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला प्रश्न है, दी गई विषम संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या लिखिए। बच्चों आपको विषम संख्या में सबसे बड़ी बतानी है। तो बच्चों विषम कौन सी होती है? जिसके इकाई का अंक 1, 3, 5, 7 या फिर बच्चों 9 होता है। जिस संख्या का इकाई अंक 1, 3, 5, 7 और 9 होता है वो कौन सी होती है? विषम। तो बच्चों विषम कौन कौन सी है सबसे पहले मैं लिख भी लेता हूं। पहली विषम संख्या है बच्चों 87, फिर कौन सी है बच्चों? 175, फिर बच्चों कितनी है? 2017, फिर बच्चों कितनी है आपकी? फिर है आपकी 289, फिर बच्चों 121 और फिर बच्चों 603, ये सब विषम है। अब बच्चों क्या बोला है? सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी विषम संख्या कौन सी है? तो बच्चों सबसे बड़ी विषम संख्या, तो इसमें से जो सबसे बड़ी विषम संख्या है वो है बच्चों 2017। कितनी है? 2017। अगला, क्या 121 सम संख्या है या विषम संख्या? तो बच्चों 121 के इकाई का अंक कितना है? एक, तो ये कौन सी संख्या है बच्चों? हम कहेंगे 121 बच्चों कौन सी संख्या है? विषम संख्या है। कौन सी संख्या है बच्चों? विषम संख्या। ठीक है बच्चों, तो इस तरह हमने आपके कार्य पत्रक 12 के सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं, जिसमें बच्चों हमने दो की भाजकता का नियम, सम संख्या क्या होती है और विषम संख्या क्या होती है इसके बारे में अच्छे से सीखा है। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।
यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।